हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिजाइन लेके आई हूँ स्वेटर का। ये जेल स्वेटर मुझे अच्छा लगता है और लेडीज कार्डिगन में भी बहुत प्यारा लगता है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा ये डिजाइन। देखिए, इस डिजाइन के लिए 12 के मल्टीपल में फंदे पड़ेंगे और 5 एक्स्ट्रा स्टिचेस पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा स्टिच है। उसके बाद 3 फंदे हमें उल्टे लेने हैं, जो आप बॉर्डर बनाएंगे उसके बाद सीधे आप ऐसे डालेंगे। 1, 2, 3, ये 3 फंदे हमने उल्टे बिने, धागा पीछे करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 स्टिचेस हम सीधे लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, आगे 1, 2, 3 3 स्टिचेस हमने उल्टी ली। ये हमारे बीच का गैप है, आगे भी 3 3 बढ़ता ही जाएगा। फिर हमें धागा पीछे करके 9 स्टिचेस उल्टी बिननी है, सीधी बिननी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाइन। फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1, 2, 3 ये हमारी एक्स्ट्रा स्टिच है, इसे भी उल्टा ही बिनेंगे। अब ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई है। रॉन्ग साइड में जो हमने पीछे फंदे उल्टे बिने थे उन्हें सीधा बिनेंगे और जो सीधे बिने थे उन्हें उल्टा बिनेंगे। तो ये वाले हमने फंदे उल्टे बिने थे, 4 फंदे, तो इस साइड हम इन्हें सीधा कर देंगे। एक्स्ट्रा स्टिच है, 1, 2, 3 फिर धागा आगे करेंगे। ये हमारी सीधी थी, 9 फंदे सीधे थे, तो ये हम उल्टे बिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर धागा पीछे करेंगे और ये 3 स्टिचेस सीधी लेंगे, 1, 2, 3 फिर धागा आगे करेंगे और 9 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धागा पीछे करेंगे फिर ये 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1, 2, 3 ये एक्स्ट्रा स्टिचेस इसे भी हम सीधा बनेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड में ऐसे आएगा, थोड़ा सा बिना ही आगे हो जाएगी तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन से उल्टे बिनने हैं और कौन से सीधे बिनने हैं। अब हमने डिजाइन बना के 2 सिलाई सिंपल बिनी, अब हम डिजाइन बनाएंगे। तो जो हमारे उल्टे फंदे थे वो तो हम उल्टे ही काटेंगे। शुरू के 4 फंदे उल्टे थे तो हमने ये उल्टे बना लिए। फिर धागा पीछे करेंगे, अब ये हमारी 9 स्टिचेस हैं, तो हम 1, 2, 3 इन 3 स्टिचेस को छोड़ के ये 4th स्टिच को बिन देंगे। ऐसे सिलाई डालेंगे इसमें और इसको सीधा बिन देंगे।
निकालना नहीं है अभी, बिना उसके बाद हम इन तीनों स्टिचेस को एक-एक करके बिन लेंगे। अब इस वाले को भी निकाल लेंगे हम। अब हमारी ये बीच की स्टिच है, इसे हम सिंपल तरीके से बिनेंगे। फिर ये वाला फंदा हमें निकालना है, या तो आप पिन में उठा लीजिए या फिर ऐसे पकड़ लीजिए हाथ से, और आगे की तीन फंदे हम सीधे बिन लेंगे। एक, दो, तीन। फिर इस फंदे को सलाई में ऐसे उठाएंगे और ये चौथा वाला फंदा सीधा बिन लेंगे ऐसे। अभी हो गए चार फंदे इधर आ गए, चार फंदे इधर आ गए और एक फंदा ये बीच का बन गया। थ्री नाइन स्टिचेस हो गए। अब धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे जो उल्टे थे वो भी लेंगे। फिर धागा पीछे करा, फिर हमें वही करना है कि एक दो तीन ये स्टिचेस छोड़ के फोर्थ को हम बिन लेंगे सीधा। उसके बाद इन तीनों को बिन लेंगे। फिर एक फंदा हम ऐसे बिन लेंगे सीधा सीधा बिनेंगे। फिर इसको पिन में उतार लेंगे या हाथ से पकड़ लेंगे और तीन फंदे सीधे बिनेंगे। एक, दो, तीन। फिर इस फंदे को सिलाई में से उठाया और इसको भी हमने सीधा बिन लिया। और जो उल्टी फंदे उल्टे फंदे थे उन्हें उल्टा बिन। देखिए आगे मर्ज नहीं, रॉन्ग साइड में फिर हमें वही करना है, जो उल्टे थे उन्हें सीधा करना है और जो सीधे थे उन्हें उल्टा करना है। वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा एक दो सिलाई बना के। ये नौ हमने उल्टे बने, फिर धागा पीछे करके तीन सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन। फिर धागा आगे करके नौ उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। फिर धागा पीछे करके ये लास्ट ये चार फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए हमारा डिजाइन बन गया है, ये इतना प्यारा लग रहा है। अब फिर हमें वही प्रोसेस करनी है जो मैंने शुरू से बताया था, दोबारा से वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। Thank you.